हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल, अच्छे होंगे और अच्छा करने की कोशिश कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एमपीपीएससी प्रीलिम्स यूनिट 10 के बारे में हम बात कर रहे थे। तो यूनिट 10 जो प्रीलिम्स है ना, उसको मैंने 17 पार्ट्स में डिवाइड किया होगा और उसी में हम आयोग के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये हमारा लास्ट वीडियो होगा इसका। इसके बाद मैं आपको बता दूं, मैं एक मास्टर वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, इन सारे वीडियोस का एक मास्टर वीडियो। तो आप मास्टर वीडियो से पढ़ना चाहें तो आप मास्टर वीडियो से पढ़ सकते हैं, और अगर आप इंडिविजुअल वीडियोस को देखना चाहें तो इंडिविजुअल वीडियोस को भी देख सकते हैं। और अगर आप इन नोट्स को परचेस करना चाहते हैं जो बहुत ही शानदार है, तो इन नोट्स को परचेस करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में फटाफट से जाओ, उस पर क्लिक करो और आप परचेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। वैसे भी फ्री में हम सारा का सारा सिलेबस कवरअप करेंगे। ठीक है, कोई सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है मेरे पास। ओके, चलिए शुरू करते हैं खाद्य संरक्षण आयोग के बारे में। तो सबसे पहले खाद्य संरक्षण नाम से पता चल गया, खाने पीने की चीजों को सुरक्षा देने के लिए आया था। ठीक है, इसका विकास क्रम कब आया, कैसे आया, कहां से शुरू हुआ? तो स्थापना होती है इसकी 21 जुलाई 2017 को। अच्छा, एक अधिनियम के तहत, अधिनियम कब आया था, 2013 में, उसकी धारा 16 में इसका गठन है। अब चूंकि अधिनियम के तहत आया तो संवैधानिक तो नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूशन में तो कहीं पर भी नहीं है, तो ये सांविधिक होगा। मैं बार बार हर एक लेक्चर में आपको बार बार बोलता हूँ संवैधानिक और सांविधिक में अंतर, तो आप याद रखना। ठीक है, उसके बाद अगर उसका मुख्यालय देखें तो सतपुड़ा भवन भोपाल में है। अध्यक्ष इसके राजकिशोर स्वान है, प्रथम और वर्तमान भी। इसका उद्देश्य एनएफएसए 2013 का बेहतर क्रियान्वयन। ठीक है, गॉट इट। अच्छा, आपको फटाफट से मैं एक टास्क देता हूँ, ये एनएफएसए का फुल फॉर्म बताइए। ठीक है, एनएफएसए का फुल फॉर्म बता दीजिए फटाफट से कमेंट में, बाकी मैं लास्ट वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा एनएफएसए का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, उसके अलावा आयोग की संरचना एवं योग्यता। तो यहाँ पर एक अध्यक्ष होता है और 5 सदस्य होते हैं और एक सचिव होता है। अगेन रिपीट, एक अध्यक्ष, 5 सचिव और एक सदस्य होता है। ठीक है, एक सचिव होता है। उसके अलावा कम से कम 2 महिलाएं इसमें होंगी। कितनी? कम से कम 2 महिलाएं यहाँ पर होती हैं, और एक सदस्य उसमें अनुसूचित जाति का और एक सदस्य अनुसूचित जनजाति से होना चाहिए। तो इस टाइप से इन्होंने बैलेंस बनाने की कोशिश की, जो कि बहुत ज्यादा सही है। उसके अलावा अगर हम देखें इनकी योग्यताओं के बारे में, तो आर्टिकल 16(3) में इनकी योग्यताओं के बारे में बताया गया है कि जो भी यहाँ पर बैठेगा ना, वो एक तो अखिल भारतीय सेवा, जो आपका आईएएस है, या फिर जो स्टेट सर्विसेज है, मतलब आपकी जो पीएससी है, इसके सदस्य रह चुके हों, रिटायर्ड हो, संघ या राज्य के अधीन कोई ना कोई उन्होंने सिविल सर्वेंट का काम किया हो। ठीक है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो या किसी भी टाइप का उन्होंने कुछ भी काम किया हो, खाद्य सुरक्षा नीति बनाने में उनका योगदान रहा हो, कुछ भी कुछ भी, तो इस टाइप का उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब हम उनको यहाँ पर बनाएंगे। सार्वजनिक जीवन में ऐसे विख्यात व्यक्ति जिन्होंने ह्यूमन राइट्स के लिए काम किया है, सोशल वर्क करते हैं, उसके बाद मैनेजमेंट में बहुत अच्छा काम किया है, न्यूट्रिशन के लिए बहुत अच्छा काम किया है, हेल्थ में काम किया है, तो उनको भी हम यहाँ पर वरीयता देते हैं। उसके अलावा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, जिनको अच्छा खासा नॉलेज होता है, अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है ना लोक प्रशासन का, उनको हम यहाँ पर वरीयता देते हैं। और जिनके पास, जो गरीब लोग हैं, उनके खाद्य और पोषण संबंधी अधिकारों में सुधार लाने के लिए कुछ अच्छे आइडियाज होते हैं, कुछ अच्छे रिकॉर्ड्स होते हैं कि उन्होंने मान लीजिए अफ्रीका के कुछ देशों में काम किया हुआ है। ठीक है, तो उस टाइप से अगर चीजें होती है ना, तो वो मैं आपको बता सकता हूं कि सुधार लाने में संबंधित कार्य में प्रमाणित रिकॉर्डेड अगर उनके पास होंगे, रिकॉर्ड होंगे, तो फिर उनको हम वरीयता देते हैं कि हाँ यार, इनके पास, इनको आता है यार ये करना, तो हम इनको रख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम धारा 16(4) के बारे में बात करें, तो इसमें दिया गया है कि कब से कब तक रहते हैं, तो या तो 5 साल या 65। अगर 65 की एज पहली हो जाएगी तो रिटायर हो जाएंगे, नहीं तो 5 साल के बाद तो रिटायर होगा, लेकिन ये अकेले अध्यक्ष के लिए। अगर सदस्य के बारे में बात की जाए तो भी कुछ अलग नहीं है, सेम चीज है, 5 और 65 साल। पुनः नियुक्ति के बाद बिल्कुल बना सके, खाने पीने की चीजों में क्या दिक्कत है यार, बना दो, फिर से बना दो, खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसके अलावा धारा 17, तो यहाँ पर वेतन के बारे में है, तो वेतन कौन देगा, राज्य सरकार देगी। इनकी सेवा शर्तें कौन डिसाइड करेगा, राज्य सरकार ही डिसाइड करेगी। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो राज्य धारा 16(7) में क्या दिया गया है कि राज्य सरकार आयोग को कर्मचारी प्रदान करेगा। अब देखो, ये जो आयोग हमने बना दिया, तो अब आयोग के पास कर्मचारी कहां से आएंगे, है ना, आयोग तो कोई रिक्रूटमेंट करता नहीं है अपना अलग से, तो कहां से आएंगे, तो भैया इसको स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा। अच्छा, इनको हटाएगा कौन, चूंकि नियुक्ति किसने की थी, राज्य सरकार ने, तो धारा 16(9) में लिखा हुआ है कि जब इनको हटाने की बारी आएगी तो भी राज्य सरकार का ही काम लगेगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अच्छा, अब इनको हटाना तो है लेकिन किस बेसिस पे, तो वो सेम बेसिस है, वही दिवालिया हो गए हों, डिसीजन ना ले पाते हों, शारीरिक रूप से अक्षम हो, मानसिक रूप से पगला गए हों। ठीक है, अगर इन पे कोई पहले का पुराना कोई केस है, अगर उसके अकॉर्डिंग इन्होंने कुछ किया है, ठीक है, और फिर आज उनको दोषी पा लिया और उनको सजा हो गई, तो फिर उनको हटाना ही पड़ेगा। ऐसा कुछ वित्तीय कि भैया यहां से तो सैलरी ले ही रहे हैं, कहीं दूसरी जगह से भी कुछ कर रहे हैं, तो वो भी गलत बात होगी,
ठीक है, अपने पद का दुरुपयोग किया है तो इस इन अगर ऐसा कुछ भी किया है तो उनको हटा देते हैं। आयोग के कार्यों के बारे में अगर हम बात करें तो राज्य के संबंध में इस अधिनियम के कार्यान्वयन को मॉनिटर करना और मूल्यांकन करना भी इन्हीं का काम होता है। ठीक है, उसके अलावा जो भी जैसे इनके पास जो शिकायतें आती हैं या फिर इनको कहीं लग रहा है कि यार खुद से ही देख रहे हैं कि यार ये गलत हो रहा है, तो फिर उस पर भी ये दखलंदाजी कर सकते हैं, आराम से दखलंदाजी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें कि इस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार को सलाह देते रहते हैं कि यार देखो खाद्य सुरक्षा के लिए हमें ये करना चाहिए वो करना चाहिए, तो एक ज्ञान देते रहते हैं किसको, राज्य सरकार को सलाह देते रहते हैं। जिला शिकायत निवारण अधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई, सपोज जिला शिकायत निवारण अधिकारी सपोज कलेक्टर है, अगर उसने कुछ नहीं किया किसी भी चीज पे कि आपने कहीं कंप्लेन की थी कि भैया यहाँ पर जो है वो नकली मावा बिकता है, लेकिन कंप्लेन गई आपकी लेकिन कलेक्टर ने कुछ नहीं किया, तो फिर आप उसके अगेंस्ट कहाँ पर जा सकते हैं, खाद्य सुरक्षा आयोग में आप जा सकते हैं। ठीक है, फिर वो आपकी कंप्लेन को देखेंगे और काम करेंगे। गॉट इट। चलिए, उसके अलावा अगर हम बात करें कि आयोग की जो शक्तियां हैं, ठीक है, सॉरी वार्षिक रिपोर्ट, तो वार्षिक रिपोर्ट ये किसको देते हैं, राज्य सरकार को, राज्य सरकार फिर उसको कहां पर रखवाती है, विधानसभा में। अगर हम आयोग की शक्तियों के बारे में बात करें तो आयोग की शक्ति क्या होगी, मतलब आयोग के पास क्या क्या पावर है, तो देखो आयोग के पास पावर के बारे में, अगर किसी व्यक्ति ने कुछ गलत किया और उसको समन करना है, समन मतलब उसको बोलना है कि तुम पेश होगे, सोमवार को तुम्हें पेश होना है, तो भैया समन कर सकते हैं, उनको हाजिर कर सकते हैं। ठीक है, उन्होंने जो बोला है उसका ऑडिट कर सकते हैं, सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं इसके लिए शपथ दिला सकते हैं, किसी दस्तावेज को भी प्रकट करने के लिए बोल सकते हैं कि भैया तुम हमें ये बताओ। ठीक है, उसके अलावा शपथ पत्रों वाला साक्ष्य ग्रहण करना, ठीक है कि भैया शपथ पत्र दो कि तुम्हारे ये जो भी तुमने एविडेंस दिए हैं, जो भी तुमने अपनी आइडेंटिटी लगाई, आधार कार्ड जो भी कुछ लगाया वो सब सही है, अगर सही नहीं पाएगा तो तुम्हें जेल भेज दिया जाएगा। साक्ष्य और दस्तावेजों के लिए समन निकालना, वही मैंने बता दिया। किसी न्यायालय या कार्यक्रम से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति अपेक्षा करना, मतलब किसी कोर्ट से भी अगर इनको कोई पेपर चाहिए ना तो वो भी ये ले सकते हैं, कोई अन्य विषय जो राष्ट्रपति इनको बोले कि भैया ये करो तो वो भी करेंगे। ठीक है, अगर हम इनके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखें जो थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इसकी रिपोर्ट जो है वो राज्य सरकार को देते हैं, राज्य सरकार विधानसभा में रखवाएगी। दो या दो से ज्यादा राज्य मिलकर एक संयुक्त खाद्य आयोग बना सकते हैं, तो बिल्कुल बना सकते हैं। मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग की जो वर्तमान संरचना है, इसमें अशोक जो आपके हैं, राजकिशोर स्वान है, सदस्य जो है वो दुर्गा डाबर है मंदसौर से, और किशोर खंडेलवाल है उज्जैन के, सचिव जो है वो राजीव चंद्र दुबे हैं आईएएस ऑफिसर हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के अंतर्गत चार स्तर पर सतर्कता समितियों का गठन है, एक राज्य स्तर है, एक जिला स्तर है, एक विकास खंड का स्तर है, और एक उचित मूल्य दुकान स्तर है। ठीक है, तो ये चीजें याद रखिएगा। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, ये बहुत ही सिंपल था और मैंने सिंपल वे में आपकी पूरी यूनिट 10 को कवर अप किया हुआ है। ऐसे ही हम सारा का सारा सिलेबस कवर करेंगे, आपको किसी को भी कुछ भी कहीं भी सब्सक्रिप्शन लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप यहाँ पर रेगुलरली वीडियोस को वॉच करते हैं। मैंने आपसे पूछा था स्टार्टिंग में NFSA का फुल फॉर्म क्या है, तो मैं आपको बता दूं, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। ठीक है, ओके। इसके अलावा गत वर्ष पूछे गए प्रश्न हैं जो कि आपको नोट्स में यहां पर मिल जाएंगे, तो आप ये देख सकते हैं। गॉट इट। सो अब की बार अफसर बनेंगे यार। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, जो कि मुझे पता है कि आपको बहुत अच्छा लग रहा है, तो इसीलिए आप सब्सक्राइब करते जा रहे हैं चैनल को, तो थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब किया है, जिन्होंने नहीं किया है प्लीज कर लीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। ओके, थैंक यू वेरी मच। मैं पूरा सिलेबस कवर कराऊंगा। गॉट इट। अगर आप ये नोट्स चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर आप परचेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।